दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। अपने सभी प्रिय श्रोताओं का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, जहां आप सुनते हैं फिल्मी दुनिया के गाने और कहे अनकहे अफसाने। आज जो कहानियां आपका दिल बहलाएंगी हर बार की तरह, सबसे पहले उनकी एक झलक। पहली कथा होगी उत्पल दत्त की। वर्षों से थिएटर कर रहे उत्पल दत्त को कैसे मिला फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक। दूसरी कहानी फिल्म अनमोल घड़ी के एक गीत की, आवाज दे कहां है दुनिया मेरी जवां है। इस डुएट गाने की रिकॉर्डिंग में नूरजहां की वजह से बार बार डिस्टर्ब हो रहे थे सिंगर सुरेंद्र नाथ। फिर क्या हुआ, इसका खुलासा भी होगा आज। तीसरे नंबर पर दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे ग्रेट डायरेक्टर फिल्म मेकर राज खोसला को। चौथे नंबर पर बताऊंगा कि म्यूजिक डायरेक्टर सलिल चौधरी का क्या योगदान था बिमल रॉय की फिल्म देवदास में। और पांचवी कहानी में खुलासा करूंगा कि कैसे शंकर जयकिशन को मिली राज कपूर की फिल्म बरसात। और आखिर में हमारे श्रोता का प्रश्न, जहां आज पूछा गया है उन गानों के बारे में जिन्हें बैलगाड़ी पर फिल्माया गया है। तो ये सब कहानियां और इन कहानियों से जुड़े गीत सुनने के लिए आइए निकल पड़ते हैं इस सफर पर जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। अभिनेता उत्पल दत्त फिल्मों में आने से पहले एक लंबे समय तक थिएटर कर रहे थे। उनका फिल्मों में आना प्रयत्न की बजाय संयोग ज्यादा था। बात तब की है जब शेक्सपियराना इंटरनेशनल थिएटर कंपनी चलाने वाले जॉफ्री कैंडल इंडिया छोड़कर चले गए, मगर उनके जाने के बाद भी उत्पल दत्त ने अपने थिएटर ग्रुप के साथ इंग्लिश प्लेज परफॉर्म करने की परंपरा को जारी रखा। एक बार जब वो ओथेलो कर रहे थे तो ये प्ले देखने आए उस जमाने के मशहूर फिल्म मेकर मधुबोस। मधुबोस उन दिनों बंगला फिल्म माइकल मधुसूदन बना रहे थे। फिल्म की कहानी एक एंग्लो इंडियन पोइट माइकल मधुसूदन पर आधारित थी। उन्हें तलाश थी लीड रोल करने वाले एक्टर की। मधुबोस ने उत्पल दत्त का ओथेलो देखा और उन्हें उत्पल दत्त की परफॉर्मेंस और इंटरप्रिटेशन इतना पसंद आया कि उन्होंने उत्पल दत्त को अपनी फिल्म के मेन रोल के लिए उसी वक्त ऑफर दे दिया। उत्पल ने भी अचानक मिले इस ऑफर को हर्ष के साथ स्वीकार कर लिया और इस तरह 1950 में आई फिल्म माइकल मधुसूदन से उत्पल के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई और बंगाली और हिंदी सिनेमा को मिला एक बहुत ही सशक्त अभिनेता उत्पल दत्त, जिनका फिल्मों में ब्रेक प्रयत्न नहीं बल्कि संयोग था। अगली कहानी होगी फिल्म अनमोल घड़ी के एक अनमोल गीत की, आवाज दे कहां है दुनिया मेरी जवां है। इस डुएट सॉन्ग को गाया है सिंगर सुरेंद्रनाथ और नूरजहां ने। इसकी रिकॉर्डिंग के वक्त नूरजहां की वजह से बार बार विचलित और डिस्टर्ब हो रहे थे सुरेंद्रनाथ। नूरजहां क्यों डिस्टर्ब कर रही थी और कैसे कर रही थी ये बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। कहानी है अनमोल घड़ी के गीत की, आवाज दे कहां है दुनिया मेरी जवां है। इस खूबसूरत गीत को कंपोज किया म्यूजिक माइस्ट्रो नौशाद ने और आवाजें थी नूरजहां और सुरेंद्रनाथ की। जब इस गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे नौशाद साहब तो वो जमाना वो था जब एक ही माइक्रोफोन पर सिंगर्स को आमने सामने रहकर गाना गाना होता था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी तब तक उतनी डेवलप नहीं हुई थी। सुरेंद्रनाथ थोड़े शर्मीले किस्म के आदमी थे और नूरजहां बहुत शरारती। रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो नूरजहां ने अपनी लाइन्स बड़े सुकून से गाईं, मगर जैसे ही सुरेंद्रनाथ की बारी आई तो नूरजहां सुरेंद्रनाथ की आंखों में आंखें डालकर उन्हें घूरने लगी और साथ साथ ही भवों के इशारे से और गालों के इशारे से होठों को लरजाने के साथ उनका ध्यान विचलित करने लगी। सुरेंद्र साहब
नर्वस हो गए और गा नहीं पाए। एक दो टेक और हुए मगर इस बार भी वही हुआ। नूरजहां ने अपनी लाइन्स गा ली और सुरेंद्र की बारी आने पर अपनी अदाओं से मिजगां के तीर चलाए, नैनों की बर्छियों से बेचारे गरीब सुरेंद्र नाथ को डिस्टर्ब कर दिया। सुरेंद्र नाथ ने इसकी शिकायत म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद से की। नौशाद ने परेशानी को समझते हुए एक हल निकाला। नौशाद ने नूरजहां से कहा कि वो अपनी लाइन्स गाने के बाद दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाए ताकि सुरेंद्र डिस्टर्ब ना हो और अपनी लाइन्स ठीक से गा सकें। नौशाद साहब के कहने पर नूरजहां को मजबूरी में दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा होना पड़ा, तब जाकर ये गाना रिकॉर्ड हुआ। आवाज दे कहां है दुनिया मेरी जवां है। अगला सेगमेंट दिल ने फिर याद किया। आज हम याद करेंगे ग्रेट फिल्म मेकर राज खोसला को। उनकी लघु जीवनी आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। राज खोसला का जन्म 31 मई 1925 को लुधियाना पंजाब भारत में हुआ। वो संगीत प्रेमी थे और बाकायदा उन्होंने संगीत की तालीम भी ली थी। ऑल इंडिया रेडियो में म्यूजिक स्टाफ के तौर पर उन्होंने अपना करियर आरंभ किया और बाद में सिंगर बनने के लिए चले आए बॉम्बे। बॉम्बे में स्ट्रगल करते हुए उनकी मुलाकात हुई देवानंद से। देवानंद को राज खोसला में एक गायक की बजाय एक डायरेक्टर की संभावनाएं ज्यादा नजर आई। उन्होंने राज खोसला से कहा कि गायकी की जगह डायरेक्शन में हाथ आजमाओ, अच्छा रहेगा। राज खोसला ने देवानंद की बात को सीरियस लेते हुए देवानंद के निर्देशक गुरुदत्त को ज्वाइन कर लिया एज एन असिस्टेंट। उन्होंने गुरुदत्त को कई फिल्मों में असिस्ट किया, बाजी, जाल, बाज, आर पार। लेकिन स्वतंत्र निर्देशन के तौर पर उनकी पहली फिल्म रही देवानंद और गीता बाली स्टारर मिलाप, जो आई थी 1955 में। लेकिन राज खोसला को सही पहचान मिली फिल्म सीआईडी से। इसके बाद 1958 में उनकी दो फिल्में और आईं, 16वां साल और काला पानी। राज खोसला ने हर तरह की फिल्म बनाई। मैं तो ये कहूंगा कि राज खोसला जैसे वर्सटाइल डायरेक्टर हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत 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 कम हुए हैं। एक तरफ वो सीआईडी और काला पानी जैसी क्राइम थ्रिलर बनाते हैं, तो एक तरफ एक मुसाफिर एक हसीना जैसी म्यूजिकल फिल्म भी बनाते हैं। फिर बनाते हैं वो कौन थी अनीता और मेरा साया जैसी सस्पेंस थ्रिलर, दो बदन और दो रास्ते जैसी पारिवारिक फिल्में भी बनाते हैं। दो रास्ते के लिए उन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट डायरेक्टर का नॉमिनेशन भी मिला। मेरा गांव मेरा देश जैसी एक्शन फिल्में भी बनाते हैं, नहले पे दहला बनाते हैं। उनकी आई फिल्में कच्चे धागे, शरीफ बदमाश और प्रेम कहानी जैसी फिल्में ज्यादा शोहरत नहीं हासिल कर पाई, लेकिन लंबे इंतजार के बाद 1978 में एक सामाजिक फिल्म बनाई उन्होंने, मैं तुलसी तेरे आंगन की। फिल्म को बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड और एक बार फिर राज खोसला को बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेशन मिला। 80 के दशक में यश जौहर के लिए बनाई उनकी फिल्म दोस्ताना उनकी आखिरी हिट साबित हुई। इसके बाद उनकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होती चली गई और इस वजह से वो डिप्रेशन के शिकार हो गए। उन्होंने स्वयं को फिल्म इंडस्ट्री से अलग कर लिया और बांद्रा स्थित अपने मरीना अपार्टमेंट के फ्लैट में ही अपने जीवन के अंतिम दिवस काटे। अंतिम दिनों में उन्हें ज्वाइंडिस हो गया था और 9 जून 1991 को ये माइस्ट्रो, ये ग्रेट फिल्म मेकर चला गया। उनके जाने के 2 साल बाद आपकी धर्मपत्नी उषा देवी भी चली गईं। उनकी पुत्री सुनीता खोसला ने उनकी स्मृति में राज खोसला फाउंडेशन की नींव रखी, जिसके चेयरमैन हैं शत्रुघ्न सिन्हा। राज खोसला के सम्मान में इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने 3 मई 2013 को एक डाक टिकट भी जारी किया। इंडस्ट्री को कई सारी यादगार फिल्में देने वाले इस महान निर्देशक को हमारी ओर से श्रद्धांजलि, शत शत नमन। मैं राज खोसला साहब को बहुत बड़ा डायरेक्टर मानता हूं,
दिल ने फिर याद किया सेगमेंट के जरिए आज जो हमारे 2015 या आने वाले 2016 या 17 के हमारे जो श्रोता हैं उनको मालूम होना चाहिए कि एक ग्रेट फिल्म मेकर एक और दूसरे ग्रेट फिल्म मेकर का शिष्य था। और ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं, बहुत रेयर है कि ग्रेट गुरु का ग्रेट असिस्टेंट हो। एक ही मिसाल सामने आती है, ग्रेट गुरुदत्त का ग्रेट असिस्टेंट राज खोसला। राज खोसला साहब को शत शत नमन प्रणाम। बिमल रॉय की फिल्म देवदास में सलिल चौधरी का क्या योगदान है ये बताऊंगा थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। देवदास के म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर की जिम्मेदारी थी फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर एसडी बर्मन की। उन्होंने पूरी फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर किया भी, लेकिन बिमल रॉय को फिल्म की आखिरी चार रील के बैकग्राउंड स्कोर में मजा नहीं आया। बिमल रॉय को एक आइडिया आया, एक नाम सूझा और वो नाम था सलिल चौधरी का। सलिल चौधरी ने इससे पहले कभी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं दिया था, मगर बिमल रॉय को लगता था कि सलिल को फिल्म की कहानी और सिचुएशन की अच्छी समझ है, वो ये काम बहुत बखूबी करेंगे। देर रात 2 बजे बिमल रॉय, उनके असिस्टेंट ऋषिकेश मुखर्जी और म्यूजिक डायरेक्टर एसटी बर्मन पहुंच गए सलिल चौधरी के घर। अचानक तीनों को इस टाइम अपने घर आता देख सलिल को माजरा समझ नहीं आया। तब बिमल रॉय ने सलिल को सारी सिचुएशन समझाई और कहा कि फिल्म की आखिरी की चार रील के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक तुम्हें ही करना होगा। इतने कम समय के बावजूद सलिल चौधरी ने फिल्म देवदास की आखिरी चार रीलों का म्यूजिक तैयार किया। लेकिन जब क्रेडिट देने की बात आई तो सलिल चौधरी ने अपना नाम नहीं देने की बात कही। मेरा नाम देने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा सलिल चौधरी ने कहा। और उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ चार रील में ही म्यूजिक दिया है, बाकी फिल्म तो दादा एसटी बर्मन ने ही की है, उनके साथ मेरा नाम देना ठीक नहीं रहेगा। देवदास के लिए क्रेडिट और नाम तो उन्हें नहीं मिला, मगर उन्हें ये कॉन्फिडेंस जरूर मिल गया कि वो फिल्मों में बैकग्राउंड स्कोर दे सकते हैं। और इसके साथ उन्होंने बहुत सी आने वाली फिल्मों में बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर दिया भी। म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन की जोड़ी को कैसे मिली उनकी पहली फिल्म बरसात बताऊंगा बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। शंकर जयकिशन आर के बैनर के सबसे पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर थे, मगर उन्हें पहली फिल्म के लिए बहुत इंतजार करना पड़ा था। शंकर पृथ्वी थिएटर से जुड़े हुए थे और जयकिशन के साथ जोड़ी बनाकर फिल्मों में संगीत देने के लिए काम की तलाश में जुटे हुए थे। उन्हें राज कपूर ने वादा किया था कि जिस दिन उन दोनों की बनाई कोई म्यूजिक कंपोजिशन उनके दिल को छूलेगी तब उन्हें फिल्म में संगीत देने का मौका जरूर देंगे। शंकर जयकिशन दोनों राज कपूर को ट्यून सुनाते, राज कपूर को मजा नहीं आता, लेकिन शंकर जयकिशन ने हिम्मत नहीं हारी और जुटे रहे उस ट्यून के लिए जो ट्यून राज कपूर के दिल को छू जाए। ये सिलसिला चल ही रहा था कि एक बार पृथ्वी थिएटर के एक शो के चलते सबका जाना हुआ पुणे। शो के बाद एक रात जब सब आराम कर रहे थे तभी शंकर हारमोनियम लेकर राज कपूर के पास आए और बोले, राज साहब एक धुन बनी है, अगर कहें तो सुनाऊं। राज कपूर ने कहा सुनाओ। तो शंकर जी ने डमी वर्ड्स के साथ जो धुन सुनाई वो थी, अम्बुआ का पेड़ है वो ही मुंडेर है, आजा मेरे बालमा अब काहे की देर है, अम्बुआ का पेड़ है। राज कपूर ने धुन सुनी और इतनी पसंद आ गई कि राज कपूर ने शंकर से कहा बंबई वापस चलकर सबसे पहले इसे रिकॉर्ड करेंगे। बंबई वापस आने पर राज कपूर ने हसरत जयपुरी को बुलाया और इस धुन पर गीत लिखने को कहा, और हसरत साहब ने जो गीत लिखा वो था शंकर जयकिशन और राज कपूर के कॉम्बिनेशन की पहली फिल्म बरसात का गीत, वो सदाबहार गीत जिया बेकरार है
छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। आज के श्रोता के प्रश्न में मैंगलोर से बीएन दिनेश ने पूछा है, फिल्मों के उन गानों के बारे में जिन्हें फिल्माया गया है बैलगाड़ी पे। बीएन दिनेश जी, आपके सवाल के जवाब के साथ बस थोड़ी देर में हाजिर होता हूं, तब तक आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। स्वागत है आपका 92.7 बिग एफएम पर। मैंगलोर से बीएन दिनेश ने पूछा है फिल्मों के उन गानों के बारे में जिनमें बैलगाड़ी पे गाना पिक्चराइज हुआ है। बैलगाड़ी, हो सकता है इस बैलगाड़ी से आज के नए बच्चे उतने परिचित नहीं हों, लेकिन उन्हें बताना चाहूंगा कि हमारे देश का एक वो दौर भी था जब हिंदुस्तान में यही बैलगाड़ी हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थी और बहुत इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थी। इसी बैलगाड़ी पर लोग एक गांव से दूसरे गांव, घर से मेले और सिनेमा देखने जाया करते थे। ये बैलगाड़ियां जरूर भुला दी गई हों, मगर इन पर फिल्माए गाने आज भी बहुत सारे लोगों को याद हैं। इस तरह के जो गाने याद आते हैं उनमें एक है 1936 की फिल्म देवदास का गाना, ना पी की नगरिया आए हैं ना चैन करिजवा पाए हैं। फिल्म के मुख्य कलाकार थे केएल सहगल, डायरेक्ट किया था पीसी बरुआ ने। दूसरा गाना है मिर्जा साहिबा का, गाना है हाय रे उड़ उड़ जाए मेरा रेशमी दुपट्टवा। एक और गाना फिल्म मदर इंडिया से, वो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँ करे। और बात करूंगा फिल्म तीसरी कसम के गानों की। इस फिल्म में तो एक से ज्यादा गाने बैलगाड़ी पर फिल्माए गए थे। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया के प्यारी भोली भली रे दुल्हनिया। फिल्म अनोखी रात में भी एक गाना बैलगाड़ी पे है, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। और फिर दूर का राही का एक गाना, चलती चली जाए जिंदगी की डगर, कभी खत्म ना हो ये सफर। इनके अलावा भी बहुत से गाने हैं जिन्हें या तो बैलगाड़ी पर फिल्माया गया है या बैलगाड़ी उस गाने का हिस्सा रही है। उम्मीद करता हूं कि मैंगलोर के हमारे श्रोता दिनेश जी इस उत्तर से संतुष्ट होंगे। सर, बावर्ची फिल्म का बड़ा प्यारा एक गाना है, तुम बिन जीवन। बिल्कुल 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 सही, अर्पिता ने बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल बावर्ची फिल्म का तुम बिन जीवन कैसा जीवन, बिल्कुल सही बोला, बावर्ची फिल्म का एक गाना। गीत लिखा कैफी आजमी ने, संगीत मदन मोहन का, मुख्य भूमिकाओं में राजेश खन्ना, जया बच्चन। आज के लिए इतना ही, विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ कि आज का शो भी हमेशा की तरह आपको पसंद आया होगा। आप याद रखेंगे, सुनते रहेंगे 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अनु कपूर। चलता हूँ, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।